आउज़ बिल्ल मिनशा रजीम बसमीम प्यारे बच्चों, अलकम वरम् वा मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तरह से होंगे अपने घरों में प्यारे बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है ए लिटल फिश स्टोरी क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा उसके बाद मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा ठीक है ना बच्चों दियर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट नाउ दिस लिटल फिश हैड एवरी थिंग इन सी टू मेक हिम कंटेंट But he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. <clears throat> it is very hard to be such a little mite of a fish. He would say over and over again if I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed <clears throat> one day he was swimming along with the rest of his school, and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for then he when suddenly, with no warning, they pound.

मिलियन फिश इन दी यानि बहुत सारी मछलियों की डेर लगी हुई थी समंदर में बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड ए वेरी स्मॉल वन एट दैट लेकिन जो ये कहानी है ये इन्हीं मछलियों में से एक मछली की कहानी है जो कि बहुत छोटी थी ठीक है न ना बच्चो नाउ दिस लिटल फिश हैड एवरी थिंग इन द सी जो ये छोटी मछली थी इसको हर कोई चीज़ इस समंदर में मौजूद था टू तो मेक हिम कंटेंट कि इसको राजी या खुश रखने में सब कुछ इस समंदर में मौजूद था बट ही वॉज नॉट हैप्पी लेकिन वो खुश नहीं थी यू विल laugh वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नाट आप हैसोगे जब मैं आपको इसके बारे में कहानी सुनाऊँगा क्यों वो ख़ुश नहीं थी ही वॉज़ अनहैप्पी वो ना खुश थी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसीलिए वो अपने आप से ना खुश थी इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटल माइट ऑफ ए फिश यानी ये बहुत मुश्किल आ, ये बहुत मुश्किल होता है दुश्वार होता है टू बी टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश यानी इतनी छोटी मछली होने में ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन वो बोलती रहती थी बार बार बोलती थी इफ़ आई वायर ओनली लार्जर अगर मैं सिर्फ बड़ी होती हाउ मच हैपियर तो मैं कितनी खुश होती आई कुड भी एंड ही सेट इट सो मैनी टाइम तो वो ये कहती यानी हर वक्त ये कहती रहती थी डेट आई थिंक ही बिलीवड मैं सोचती हूँ कि मैं यकीन रखती हूँ वन डे ही वॉज स्वयमिंग एलोंग विद द रेस्ट ऑफ स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट एक दिन वो पानी में तैर रही थी एलॉन्ग विद द रेस्ट his स्कूल यानी बाकी जो स्कूल में थी उनके साथ पानी में तैर रही थी कौन तैर रही थी जो ये छोटी मछली थी ठीक है ना बच्चों एंड थिंकिंग नो डाउट और सोचती थी कि इसमें कोई शक नहीं है हाउ मच मोर द लार्जर फिश है टू बी थैंकफुल फॉर देन यानि कितनी बड़ी मछली है टू बी थैंकफुल यानी वो शुक्रगुजार होते फेर देन ही यानि yani इसके मुकाबले में वो कितने शुक्र गुजार होते वैन सडनली विद नो वार्निंग तो अचानक क्या होता था यानी इनको कोई मालूम नहीं होता है खबर नहीं होती है दे फाउंडल इन द मैसेज ऑफ ए ग्रीट नेट तो वो अपने आप को इस बड़े जाल में पाते हैं यानी वो पानी में तैर रहे थे अचानक वो जो जाल लगा हुआ था पानी में इसमें इस वो अपने आप को पाते हैं ठीक है ना जो ये छोटी मछली थी देयर वज ए मच फ्लाउंड्रिंग एंड स्पलैशिंग यानी बहुत फिसली यानी अचानक ये फिसली एंड फ्लैशिंग एज द नेट वाज और वो जो नेट था वो पानी से भरा हुआ आया एंड एज द नेट वाज डॉन अप आउट ऑफ द वाटर और जो ये नेट था वो पानी से बाहर आया इन टू सन लाइट यानी सूर्ज की रोशनी में एंड जस्ट एज इट इज जैसे वो था वैसे वो पानी से बाहर आया सूरज के रोशनी में तो ये थी कहानी इस छोटी मछली के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कल फिर मिलते हैं इसके सवाल मैं हाजिर आपके सामने करूंगा तब तक के लिए ख़ुदा हाफिज